तो भाई कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, तो देख लो भाई मार माइकल इसके मुंह के पूरी चोट में, तो भाई क्या ही सीन हो गया। हेलो गाइस, मेरा नाम है मैं, तो स्वागत है आपका रूम जीडी 5 की वीडियो में। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा यार, जो डॉक्टर मैग्नस है यार, इसको हम कल गुफा से किडनैप करके तो ले आए थे। बाद में भाई साहब इतना डर चुका था ना, जब रखा ट्रेवर ने इसके सिर पे एम, तो उसके बाद यार ये उठा, फिर इसने अपना साथ दे दिया। तो ये कह रहा अगर ज़ॉम्बीज को आप मारना है ना हमने सबने मिलके, तो मुझे एक गन इन्वेंट करनी पड़ेगी, जिस कारण हम यार सारा सामान ले आए थे कल मिलिट्री बेस से जाके। तो सही है, जो भी इसको मटेरियल वगैरह चाहिए था वो हम ले आए थे। तो यार सबसे पहले इस वीडियो का एम है पूरे 5000 लाइक का, और यार सबसे बड़ा एम है जरूर से यार कंप्लीट करा देना, और चैनल पर नए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से यार अपने भाई की 37 की इनसेन फैमिली करा दो। तो देख रहे हो यार माइकल ने आज ब्लैक कोट पैंट पाया, तो बताओ यार कैसा लग रहा है। और सिक्योरिटी तो सारी सही है, पूरी शाम हो रही है यार, क्योंकि आपको पता रात को ज़ॉम्बीज का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है, और कल तो ज़ॉम्बीज घर के बाहर थे यार पूरा, अब तो डर लगता है कि घर में ना घुस जाएं। तो यार जब जब रात होती है ना, तो उस समय ना ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो चलो गाइस, इस समय फ्रैंकलिन अपने साथ जाने वाला, तो यार ट्रेवर कह रहा है मैं तो घर पर ही हूँ, कि तुम दोनों जा रहे हो तो चले जाओ। तो चलो सही है यार, फ्रैंकलिन कह रहा है कि मैं चलता हूँ। इस समय ना अपने को जाना है यार गैस वगैरह लेने, तो यार कुछ सिलेंडर वगैरह लेने हैं हमने शॉप से जहाँ पेट्रोल पंप है। तो भाई इतना रिस्की काम है ना, एक तो शाम हो रही है और ऊपर से डॉक्टर मैग्नस और लेस्टर कह रहे हैं कि ये चाहिए होगा अपने को तभी, जिस कारण हम ना वो गैस बना सकेंगे और गन बन सकेगी जिससे फ्लेम थ्रोवर निकलेगा। तो भाई साहब यार गन का नाम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो चल बेटा आ जा फ्रैंकलिन, जल्दी से यहाँ से चल लेते हैं। और बहनी भाई साहब ये कह रहा अब आराम से चलाना, अब कोई दिक्कत मत करना, अब तो मैंने इसमें सारा कुछ सही कर दिया, जो भी इसका डोर वगैरह टूट गया था ना वो सारा इसको सही कर दिया है। तो चलो भाई, ओ भाई साहब सॉरी यार गंजे, इसको तो रोज ही लग जाता है यार। तो चलो भाई, इस समय तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो देख रो भाई साहब पीछे से अचानक से ज़ॉम्बीज आ गए हैं। तो यार देख रो, जब भी मैं रात के टाइम निकलता हूँ ना, तो ये सीन तो अब नॉर्मली हो चुका है देखने को। तो देख रो, पहले दिन बहुत ही डर लग रहा था, और ये क्या भाई शॉप तक ही जाने वाला था क्या। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना यहाँ से निकल लेता भाई, इसके पहले मैं हेडशॉट बजाऊं कि क्या ही करूं। तो अगर मैं गोली वगैरह चलाने लग जाऊंगा तो भाई देख रहे हो एक के हमने गोली मारी यहाँ पे, तो भाई और भी ज़ॉम्बीज आ गए। तो भाई निकलो भाई पहली फुर्सत में। और फ्रैंकलिन कह रहा भाई रात को ही अपने को जाना था, सुबह चलते। तो यार वो डॉक्टर मैग्नस कह रहा था इतने में हम एक गन बना चुके होते। तो चलो गाइस अब जल्दी से यहाँ से चल लेते हैं। और भाई ये क्या ही कर रहा भाई, अंदर चला जा भाई, पीछे से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। तो चलो गाइस उसको तो हमने उड़ा दिया। तो भाई देख रहे हो यहाँ पर कितने ज़ॉम्बी भागे आ रहे हैं, और चिल्लाने की आवाज सुन रहे हो गाइस, बहुत ही तेज चिल्ला रहे हैं यार, पूरे कान में दर्द हो रहा है। तो चलो भाई अब जल्दी से ना यहाँ से हम चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे, वहाँ से अपने को यार थोड़ा बहुत सामान लेना है, पर यार रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, पूरे लॉस सैंटोस में कोई भी नहीं नजर आ रहा होगा आपको, और यहाँ पर बस दिख रहे होंगे ज़ॉम्बीज। तो देख रहे हो यार बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बीज हैं, यहाँ पर तो थोड़ी शांति है, और पूरा पीछे की तरफ तो क्या ही गंद मचा था ज़ॉम्बीज का। तो जैसे पूरी ज़ॉम्बी उसकी बारात जा रही है, तो सामने की तरफ देख रहे हो यार ये आंटियाँ अलग ही चल रही हैं ज़ॉम्बीज। तो भाई ये बंदा ही है कि असली, तो भाई ज़ॉम्बीज है यार सारे ही यहाँ पर ज़ॉम्बी हैं। तो भाई उतर के देखूँ क्या ही सीन होगा, पर अगर मैं उतरूँगा ना तो गलती से अगर कोई ज़ॉम्बी पकड़ लेगा, तो भाई मैं सोच रहा हूँ उतरने को। तो चलो छोड़ो यार, फ्रैंकलिन मना कर रहा अपने को अगर उतरेंगे तो। भाई देख रो पीछे से आ गया, तो ये तो गाड़ी में, चल बेटा निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अब जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं। भाई हल्का सा अगर हम एक जगह रुक जा रहे हैं ना, तो भाई ज़ॉम्बी जो ही अटैक कर रहे हैं, पता नहीं यार क्या ही सीन है। तो पता नहीं यार कौन सा वायरस ऐसा फैला जिस कारण ऐसे बंदे लॉस सैंटोस के ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा यार कुछ भी। तो देख रहे हो गाइस हम पेट्रोल पंप के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, सामने की तरफ है पंप। तो भाई मैं सोच रहा हूँ जल्दी से अंदर की तरफ चल लेते हैं, और यार जल्दी से ना फ्रैंकलिन तू कवर फायर दे, और मैं जल्दी से थोड़ा बहुत सामान ले आऊँ यार, बंदा आई होप यार अंदर ही हो जो शॉप वाला है। तो जल्दी से चल रहे थे। तो भाई देख रहे हो अंदर से भागे आ रहे हैं ज़ॉम्बी, अंदर से आ रहे हैं गाइस यार अंदर शॉप से। तो भाई जल्दी से मारना पड़ेगा यार, उसने भी ना रात को डॉक्टर मैग्नस ने ऐसा काम बोला है कि जल्दी से जाके गैस ले आओ, जिस कारण मैं गन इन्वेंट कर पाऊँ, फिर सुबह तक गन बन जाएगी यहाँ पे। तो सही है यार, अपनी जान को पूरे जोखिम में खतरे में दे रखा तुम्हारे भाई ने। चल बेटा निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, और सबके यहाँ पर हेडशॉट बजाए। तो देख रहे हो कितने ज़्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे हैं यहाँ पे, और हटने का नाम नहीं ले रहे भाई फ्रैंकलिन, क्या ही हो गया। अब मैं गाड़ी बैक करूँ फिर आगे मारता हूँ, चल बेटा निकल फ्रैंकलिन, जल्दी बैठ भाई साहब, अभी बच चुका है फ्रैंकलिन, अभी ना फ्रैंकलिन फिसल के ज़ॉम्बीज के ऊपर ही गिर चुका था। तो
चलो बेटा निकलो यहाँ से। तो यार बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो देख रहे हो गाइस यार इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ज़ॉम्बीज़ की और कितना ज़्यादा रश कर रहे हैं यार ये लोग और चिल्ला बहुत ही तेज रहे हैं। तो आपको भी आवाज़ यहाँ पर आ रही होगी। तो यार मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से ही नेट वगैरह फेंकने शुरू कर दे। तो चलो गाइस मैं उतरता हूँ अब बाहर की तरह और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर इसके पहले मैं स्टिकी बॉम्ब से उड़ा दूँ इसको। तो चलो बेटा निकलो पहली फुर्सत में अब उड़ाए ना ये। तो चलो गाइस दो तीन स्टिकी बॉम्ब हमने और फेंक दिए हैं। तो यार इनकी कमजोरी है आग, ये लोग आग से डरते हैं जिस कारण यार डॉक्टर मैग्नस पता नहीं अब कौन सी गन बनाने लगा है इनको डराने के लिए। वो कह रहा था कोई फ्लेम थ्रोवर वगैरह बनाऊंगा। तो भाई चलो गाइस देख रहे हो कितने ज़्यादा ज़ॉम्बी हैं। अब इस समय हमने मैक्सिमम ज़ॉम्बीज तो यहाँ पर मार दिए हैं। तो चलो गाइस मैं ना इसको बिल्कुल गेट के पास ही यहाँ पर पार करता हूँ फिर चलता हूँ अंदर की तरफ। और फ्रैंकलिन भाई साहब तू कवर फायर दे दे भाई, चल निकल भाई पहली फुर्सत में और तुम भी निकलो सारे के सारे निकल जाओ यहाँ से। और फ्रैंकलिन कह रहा है जल्दी से चलो अंदर की तरफ, जल्दी से जो सामान लेना ना वो ले लो। तो गाइस यार ये बंदा कहाँ पहले इसकी, तो भाई देख रहे हो यार ये रहा बंदा शॉप वाला और ज़ॉम्बीज ने क्या ही हाल कर दिया। तो यार अपने को ये सिलेंडर चाहिए। तो चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी उठा ले। तो देख रहे हो कितने ज़ॉम्बीज बाहर की तरफ आ चुके हैं और फ्रैंकलिन यहाँ पर कह रहा है भाई जल्दी करना पड़ेगा। तो देख रहे हो गाइस यार क्या ही कितना मारूं भाई, हटने का नाम ही ले रहे। और ये डोर पता नहीं यार कैसे टिका पड़ा है। अगर एक ज़ॉम्बीज अपनी क्या ही गेम बजाएंगे शॉप के अंदर। तो भाई अपने को ना यही सब सिलेंडर चाहिए। सबसे पहले फ्रैंकलिन को मैंने बोला कि अंदर से बैग ले ढूंढ के अगर कोई मिलता है तो जल्दी से सर्च कर ले। तो गाइस देख रहे हो पहले मैं इनके हेडशॉट बजा दूं यहाँ पे। तो भाई क्या पता चलता है यार ये भी रेंगते रेंगते आ जाएं और कहें चलो यार तुम भी मरो हमारे हाथ से और फिर हम भी ज़ॉम्बी बन जाएं। तो भाई देख रहे हो बहुत ही ज़ॉम्बी हैं। तो भाई इन्होंने ना एक बंदा तो अंदर ही आ गया शीशा वगैरह तोड़ के। तो पता नहीं, तो देख रहे हो फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रैंकलिन ने भी थोड़े बहुत सिलेंडर बैग में रख लिए हैं। तो सही है फ्रैंकलिन देख रहे हो गाइस यार पूरी फॉर्म में, आज तो सब पूरी चौड़ में है भाई ज़ॉम्बी। भाई इसको देख लो इतनी गोलियां खाने के बाद भी उठ रहा है। तो भाई ज़ॉम्बीज में पता नहीं यार कितना खतरनाक वायरस फैल चुका है। तो भाई कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। तो देख लो भाई मार माइकल इसके मुंह पे पूरी चोड़ में। तो भाई क्या ही सीन हो गया, अचानक से इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए हैं। तो भाई जल्दी से इनको खत्म करना पड़ेगा भाई, शॉप में ना जैसे बारात में घुस रहे हैं लोग और फ्री का खाना बट रहा है यहाँ पे। तो चल बेटा निकल पहली फुर्सत में और तू भी यहाँ पर चल। तो भाई देख रहे हो शॉट गन बहुत ही ज्यादा ओपी गन है। तो देख रहे हो एक एक शॉट गन बजा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो चलो गाइस इनके तो बजा दिया हमने हेडशॉट। तो भाई क्या ही सीन हो चुका था यहाँ पे। तो चल बेटा निकल पहली फुर्सत में, तो तू भी निकल। तो ये देख रहे हो कैसे, तो भाई साहब शुक्र करो दूसरे ज़ॉम्बी ने अपने को बचा लिया, ये तो फिसल के गिर गया। तो चल निकल यहाँ से। तो पूरी चौड़ में आ रहा हूँ, ये फ्रैंकलिन अंदर की तरफ क्या ही कर रहा है। वो कह रहा है कोई और मैं देख लेता हूँ कोई यूजफुल सामान होगा। तो चलो गाइस यार ये जो शॉटगन है पता नहीं कितनी ओपी गन है, इसको मैंने पहले चलाया था पर यार इसका जो रिलोडिंग टाइम है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। तो देख रहे हो यार एक शॉट में ना पूरा हेडशॉट ही पड़ता है और ज़ॉम्बीज की ना गेम पूरी की पूरी बच जाती है यहाँ पे। तो चलो गाइस यार दो ज़ॉम्बी हैं अपने सामने, तो चलो बेटा निकल और तू भी निकल, ये फिसल के गिर चुका है तो इसकी भी गेम जल्दी से बजा देते हैं। भाई देख रहे हो यार क्या ही सीन हो चुका है और ज़ॉम्बीज देख रहे हो फ्रैंकलिन को घट और मुझे ज़्यादा पकड़ रहे हैं। तो चलो भाई इनके भी हमने हेडशॉट दे दिया यहाँ पे और इस समय तो कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ पर मुझे नहीं नजर आ रहे। तो भाई थोड़े से और आ रहे हैं सामने की तरफ जो जल्दी से इनको मारना पड़ेगा। तो गाइस देख रहे हो ये अलग ही चौड़ में, तो चल बेटा निकल यहाँ से। तो भाई देख रहे हो सामने की तरफ से भी ज़ॉम्बी आना शुरू हो चुके हैं। तो देख रहे हो यार एक इस तरफ से आ गया, तो भाई इनको जितना मर्जी मैं मार लूं जब तक हेड पे नहीं मारता ना तब तक ये बिल्कुल भी नहीं मरते। तो चल बेटा फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ जा और भाई जल्दी बैठ भाई फ्रैंकलिन अभी ये शीशा तोड़ देंगे। तो देख रहे हो गाइस यार क्या ही सीन हो गया था अभी, बिल्कुल शॉप के अंदर ना पूरी चौड़ में घुसे भाई, मैं तो पूरा डर गया था और मुझे लगा था कि चलो जी अपना फ्रैंकलिन और माइकल का काम तो यहीं पर पूरा खत्म हो गया और जीटे की पूरी स्टोरी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो चल बेटा निकल यार ज़ॉम्बी पूरी चौड़ में, तो भाई क्या ही घुमा के फेंका इसको। तो सही है भाई ये देख लो गाइस यार घर तक ही जाएगा। तो मैं जब तक आपको कह रहा था ना जब तक इनके सिर पे ना ही मारे और इनको कुछ भी नहीं होता, इतनी बुरी टक्कर मारी है ना तो मुझे पता है यार ये फिर से खड़ा हो जाएगा। तो चलो गाइस अपने पास है ये लेफ्ट वाला ब्रिज, तो जल्दी से चलते हैं उस पार सिटी के क्योंकि इधर तो पानी है। तो गाइस यार यहाँ पर मुझे लग रहा है हम फंस चुके हैं, सामने की तरफ भी ज़ॉम्बी है और पीछे की तरफ से भी ज़ॉम्बी आ रहा था। तो गाइस देख रहे हो यार ज़ॉम्बी पीछे की तरफ से भी भाग आ रहा है और आगे की तरफ से। अब तुम्हारे भाई को अपनी पूरी सस्ती ड्राइविंग दिखानी पड़ेगी। तो चलो गाइस अब जल्दी से अपनी लैम्बोर्गिनी को भगा लेते हैं। तो चलो गाइस यार निकलो बेटा यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा चोट में तुम लोग। तो भाई देख रहे हो निकल गया अपनी लैम्बोर्गिनी यहाँ से, तो सही है। तो भाई क्या ही गलती से जंप बच गई, तो भाई मुझे पता ही था यार, शुक्र करो गाइस अपनी गाड़ी है बुलेट प्रूफ, नहीं तो जो ही माइकल और फ्रैंकलिन बाहर की तरफ गिरे होते ना उड़ के, तो गाइस क्या ही सीन होता, फिर ज़ॉम्बीज इनको मार देता। चल बेटा निकल यार, कब से दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग। तो मन तो करा ना मैं उतर के ना जो ही इनको मारूं, तो भाई पर अगर मैं उतरूंगा ना तो ये लोग मुझे ही मार देंगे, तो फिर मैं नहीं चाह रहा कि मैं भी ज़ॉम्बी बनके फ्रैंकलिन को पकड़ रहा हूं और ये फ्रैंकलिन मेरे से डर के भाग रहा हूं। तो गाइस देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला काम है यार बाहर आना,
और यार डॉक्टर मैग्नस और लेस्टर ने बोला था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होएगा, तुम बस यार रात के टाइम जाओ, अपने को वो गैस वगैरह चाहिए। तो देख रहे यार हमने सारा काम यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो चलो गाइस यार फाइनली हम फ्रैंकलिन के बेस पर आ चुके, तो जल्दी से ना गाड़ी को पार्क लगाते हो। ये सिक्योरिटी वाले को क्या ही हो गया, तो यार पता नहीं यार शायद अपने से मर गया, पर अपने से तो क्यों ही मरेगा, हल्की सी टक्कर बजी थी। तो चलो गाइस यार फ्रैंकलिन जल्दी आ जा भाई बैग लेकर, ये फ्रैंकलिन कहाँ ही चला गया, अभी तक तो पीछे था भाई। तो एक बार मैं चेक कर लेता उनको कहाँ ही, कितना काम कर ले इन्होंने और कितना रह गया। तो गाइस देख रहे हो यार ये अभी तक लगे पड़े, और लेमार भी पूरा नींद में है और ट्रेवर भी। तो भाई ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, हमने बोला भाई क्या ही सीन हुआ, ये पूछो कि क्या कुछ नहीं हुआ। तो यार लेस्टर कह रहा यार तुम तो सही हो ना, तो हमने बोला तो चलो गाइस यार फाइनली हमने इनको सारा सामान यहाँ पर दे दिया। जो डॉक्टर मैग्नस है ना यहाँ पर यार चेक कर रहा है कौन कौन सा सिलेंडर हम उसमें लगा सकते हैं। तो सही है, जब हमने पूछा गन कब तक तैयार होगी, ये लोग कह रहे हैं कि सुबह लग जाएगी यार, क्योंकि दो दिन से इस पे काम कर रहे हैं। तो यार पता नहीं यार बहुत ही ज्यादा ओपी गन होने वाली है मुझे जहां तक लग रहा है, जहां तक लेस्टर भी कह रहा है यार तुम एक बार इसको चला के। तो देख रहे हो गाइस यार अब बहने को हमने जो लैम्बोर्गिनी अपनी हुरेकैन दी है ना, वो तो पक्का बोलेगा अपने को, पता नहीं गैरेज में कोई काम कर रहा था, तो एक बार उससे मिल लेते हैं। पता नहीं यार बहनी कहाँ है भाई तू, अब जल्दी से आ जा यार। तो देख रहे हो बहनी यहीं पर खड़ा है और ये कह रहा है यार मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी, तुम लोग अब फिर से मेरी मेहनत करवाओगे। तो कह रहा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ पर सारा काम कर दूंगा। तो चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं नीचे की तरफ। तो भाई देख रहे हो डॉक्टर मैग्नस ने यहाँ पर कह रहा है कि यार ये सिलेंडर छोटे हैं, थोड़े बड़े चाहिए थे भाई, अब ना मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले ही कह रहा हूँ जितने भी उससे ही काम चला लो। तो सही है, तो यार लेस्टर कह रहा है कोई बात नहीं इससे काम चल जाएगा, क्योंकि यार वहां पर बड़े सिलेंडर भी रखे थे, छोटे वाले सिलेंडर भी रखे थे, पर यार हम छोटे लेंगे क्योंकि बड़े बैग में बिल्कुल भी नहीं आते। और आपको पता है क्या ही ज़ॉम्बीज़ ने पूरा धमला कर रखा था और यार पूरा दिमाग खराब कर रहे थे। तो यार डॉक्टर मैग्नस कह रहा है कोई बात नहीं यार, दिक्कत की कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। तो भाई यहाँ पर ना बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही है, तो भाई क्या हुआ यार। तो ये कह रहा कि बाहर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया, तो भाई जल्दी चलो सर। तो भाई जल्दी से चलते हैं भाई, ये कह रहा है ओ भाई ये भी सिक्योरिटी वाला आ गया है, और ये यहाँ पर कह रहे हैं जल्दी चलो ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया, संभल के रहना, ज़ॉम्बीज़ ने ना पूरा केज तोड़ दिया है। तो चलो गाइस बाहर, तो भाई देख रहे हो ज़ॉम्बीज़ अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो चल बेटा निकल भाई और ये जल्दी से मारो भाई, क्या ही कर रहे हो तुम लोग। और पीछे से फ्रैंकलिन ट्रेवर भी आ चुका भाई, माइकल पूरी चौड़ में मारा। तो देख रहे हो यार इन्होंने पूरा गेट को क्या ही काम कर दिया है। तो भाई ये तो दिन पर दिन पूरे शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तो चलो गाइस अब मेरा पूरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, इनको बिल्कुल भी नहीं अंदर आने देना। और माइकल वगैरह भी मारने में लगे हैं यहाँ पे, देख रहे हो ट्रेवर ने भी मारा, माइकल भी मार ही रहा है। तो गाइस यार ये ज़ॉम्बी तो भाई एक नीचे की तरफ गया है, तो देख रहे हो यार फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी यहाँ पर पूरी चौड़ में। तो भाई इस आंटी को बिल्कुल भी नहीं आने देना, तो चल बेटा निकल पहली फुर्सत में। तो मैं सर बाहर की तरफ चलता हूँ और जितने भी ज़ॉम्बीज हैं इनको मैं मौली मार देता हूँ। तो चलो गाइस यार कोशिश तो कर रहा हूँ भाई, माइकल ज़ॉम्बी के ऊपर ही गिर चुका, तो भाई ये भी आ गया। तो चल बेटा निकल भाई पूरी चौड़ में, पूरा दिमाग खराब कर रहे हो। तो गाइस जो बाहर सिक्योरिटी है ना, मैंने उनको बोला कि तुम इनको मत मारो, तुम दूसरों को देखो। तो देख रहे हो ज़ॉम्बीज यहाँ पर आते जा रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी भी इनको मारते जा रही है। तो देख रहे हो आधे तो डर के भाग रहे हैं, तो भाई क्या ही गलत सीन है। तो चलो गाइस अब माइकल जल्दी से जंप करके बाहर की तरफ निकलेगा यहाँ से। तो सही है यार जितने भी ज़ॉम्बीज अपने क्लोज है ना, तो पहले मैं उनकी रेल बनाऊँ। तो चलो गाइस अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, पहले मैं इसको खत्म कर दूँ। तो गाइस देख रहे हो ज़ॉम्बीज एक के ऊपर एक रह के गिर चुका है यहाँ पे। तो चलो गाइस अब जल्दी से बाहर की तरफ कर ली है माइकल ने जंप। तो देख रहे हो गाइस यार कितने ज़ॉम्बीज थे उस तरफ को भागे थे, अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहे यहाँ पे। और चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, ये कल भी बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे और इस समय गाइस देख रहे हो यार कितने ज़ॉम्बीज और आ रहे हैं। तो चलो बेटा निकलो भाई पहली फुर्सत में, अब तो इनको पिस्टल से ही मारना पड़ेगा भाई, पर इतना डैमेज नहीं आ रही स्कॉर्पियन में, तो क्या ही यार कुछ भी नहीं मर रहे। तो भाई और भी आ गए, तो जल्दी मारो भाई ट्रेवर फ्रैंकलिन भाई मेरे पीछे के करने आ रहे गंजे, तू मार भाई पहली फुर्सत में। तो भाई बजूका नहीं चलाएंगे नहीं तो हम सब उड़ते जाएंगे यहाँ पे। तो चल बेटा निकल यहाँ से। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पर फ्रैंकलिन ट्रेवर तो पूरे मारने में लगे हैं और एक सिक्योरिटी वाला भाई मेरे पीछे यार है, मुझे उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो चलो गाइस फाइनली वो भी मारने लग गया यहाँ पे। तो देख रहे हो क्या ही धमाका कर दिया है और ये गाड़ियाँ पता नहीं यार कब से खड़ी थी अपने घर के पास। तो चलो गाइस मैंने इनके ऊपर नेट वगैरह फेंक दिया जिस कारण ये पूरी ब्लास्ट हो जाएंगी गाड़ियाँ। तो गाइस एक ज़ॉम्बी यहाँ से आ रहा, तो चल भाई क्या ही हेडशॉट मारूँ। तो चल बेटा निकल यहाँ से। तो भाई इसको भी हमने मार दिया है, तो मैक्सिमम ज़ॉम्बीज हमने मार दिए हैं सारे के सारे। तो देख रहे हो यार ये तो हटने का नाम ले रहे, पता यार नीचे से कहां से आ रहे। तो भाई मैं सोच रहा हूं ना इसके रख के हॉकी स्टिक मारता हूं, तो भाई हॉकी नहीं इसको गोल्फ स्टिक कहते हैं। तो चलो गाइस इसको भी हमने मार दिया, तो भाई अब मारते हैं इसके अपना स्पेशल हथियार कुल्हाड़ी। तो चल बेटा ये देख रहे हो आंटी जी, चलो निकलो। देख रहे हो गाइस क्या ही इसके जो सिर पे रख के मारे। तो भाई एक ने फ्रैंकलिन को धक्का मार के जो गिराया तो उसके भी हमने मार दिया, तो ये आंटी फिर खड़ी हो चुकी है। चल निकल यार पहली फुर्सत में, कितनी लात और कितनी कुल्हाड़ी खाएगी मुंह पे। तो देख रहे हो गाइस इसके तो हमने जो ही मारा ना। तो चलो गाइस मैं मौली मार देता हूं उसके ऊपर, तो जिस कारण ये जल जाएगी। तो देख रहे हो यार क्या ही तबाही हो रही है। तो चल बेटा तू भी उसके बीच में चला के मारो भाई इसको, बिल्कुल भी छोड़ना, मारो इसको।
तो देख रहे हो यार, सारे ज़ॉम्बीज़ हमने यहाँ पर मार दिए हैं। और यार पीछे की तरफ से भी आ रहे हैं भाई, जो अपनी सिक्योरिटी है ना उनको हमने कवर देने को बोला है, तो भाई वो अलग ही चोड़ में खड़े हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर पूरी आग लगा दी है, मैं सोच रहा हूँ इनके ऊपर भी मॉली मार देता हूँ तो सही रहेगा यार। मॉली तो भाई ये लोग फिर उठ चुके हैं, जब तक मैं कह रहा हूँ ना जब तक इनके हेडशॉट ना दो तब तक ये बिल्कुल भी नहीं मरते। अगर एक बार बॉडी शॉट मारता हूँ ना भाई लगेंगे कि मर चुके हैं, फिर बाद में फिर से खड़े होते हैं। तो चल निकल भाई, कितना ही खाएगा, तो इसके भी मारना पड़ेगा। तो देख रहे हो क्या ही हेड पे दिया माइकल ने इसके। तो देख रहे यार उस तरफ से और ज़ॉम्बी आ रहे थे, तो भाई अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो भाई एक तो मेरे पीछे ही है भाई, देख रहे हो ये लोग भी बिल्कुल भी नहीं मार रहे। तो भाई बच गया, शुक्र करो गाइस यार, मैं तो नो स्कोप चलाने की कोशिश कर रहा था। तो चल बेटा निकल, तू भाई मिस हो गया, तो चल निकल अब तो तू फिर से आ गई भाई। ये आंटी कितना खाएगी, इसके तो हेड पर भी मार रहा हूं, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। तो देख रहे हो गाइस यार मारो भाई, ये जानबूझ के ना मार नहीं रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तू जल्दी से इसके कुल्हाड़ी से हेडशॉट बजा दे। तो चलो गाइस फाइनली हमने इनको मार दिया। और यार यहां पर बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके थे, तो भाई ये फिर से खड़ी हो गया है। तो देख रहे हो भाई पीछे, तो देख लो गाइस कोई भी पीछे नहीं देख रहा। तो चलो गाइस ट्रेवर ने अपने को बचा लिया यहां पे। तो देख लो ट्रेवर ने जो ही गोली बजाई है ना उसके, जिसका ना वो मर चुकी है, तो सही है यार। तो यार बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो गाइज़ आप भी देख रहे होगे क्या ही सीन हो गया था। तो चलो गाइज़ फाइनली हमने सबको यहाँ पर मार गिराया है, तो सही है यार। तो भाई देख रहे हो चलते हैं हम सीधा अंदर की तरफ, जितने भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडी है ना, तो जल्दी से मैं इनको यहाँ पर जला देता हूँ, क्योंकि अगर ये जब तक भाई क्या ही धमाका हो रहा पीछे, और जब तक ये लोग जलेंगे नहीं तब तक ये पूरा मरेंगे नहीं। और हेडशॉट हमने मार तो दिया पर पूरा भरोसा नहीं है यार। और ये जो सिक्योरिटी खड़ी है ना ये भी कह रही है कि जल्दी से इनके ऊपर मौली गिरा दो, जिस कारण ये सारे जल जा रहे हैं, उनको गेट का क्या ही हाल कर दिया है। और अपनी लैम्बोर्गिनी हुरैकैन खड़ी थी शुगर गाइस पर, वो भी ठीक है। तो चल बेटा मर जाए यहाँ पे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडी है, इस समय कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो देख रहो हमने यहाँ पर सबको मार दिया है, और अंदर तक आग पहुंचेगी यार, जल्दी से बुझा देना अगर अंदर जाएगी तो। चलो सही है गाइस यार, हमने इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर मार दिया ना, और क्या ही ज़ॉम्बीज़ की गेम बजाई। तो गाइस एक और आ गया भाई साहब, ये तो आती रहेंगे। और हमने ना पूरा जो हमला इन्होंने करा था वो तो हमने हमला संभाल लिया है, तो सही है यार। तो यार मैं इसके कुल्हाड़ ही मारूंगा भाई साहब, पूरा दिमाग ख़राब कर रही है। चल बेटा निकल यहाँ से। तो देख रहे हो गाइस क्या ही इसके सिर पे जो ही कुल्हाड़ी मारी है ना, तो भाई पूरी यहाँ पर ये मर चुके हैं, और पूरी आग वगैरह लग चुके हैं, जिस कारण आधे से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर डर चुके हैं। तो चलो गाइस अब जल्दी से चल लेते हैं अपने घर के अंदर। तो सही है, जब घर में रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम ज़ॉम्बीज़ हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिए सारे के सारे। तो देख रहे यार अब कोई भी नहीं यहाँ पर आने वाला, तो भाई अब मैं फायर करके इनको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई अब मत आना भाई, दिमाग ख़राब पहले ही हो रहा है, अगर अब आओगे ना तो मरोगे भाई। इसको मारूं भाई, बहुत ही ज़्यादा चोट में था ये। तो चल गाइस निकल जा भाई, ज़ॉम्बी की क्या ही यार, ज़ॉम्बी सस्ते ज़ॉम्बी। तो देख रहे हो गाइस यार हमने यहाँ पर पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, तो सही है। अगर कोई भी अब आएगा तो भाई अब फिर से मारा जाएगा, और सुबह भी यहाँ पर होने वाली है। तो चलो गाइस अब जल्दी से चल लेते हैं सीधा अंदर की तरफ, और फिर यार देखते हैं गन कितनी बनी है और कितनी नहीं बनी है। तो चलो देख रहे हो यार कितनी तो भाई यहाँ पर हो चुकी थी, और मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको FPP मोड करके। तो भाई ये रह गए, इनको भी जला देते हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं नहीं चाह रहा कि ये लोग भी उठ के फिर आ जाएं यार, ज़ॉम्बीज़ हैं भाई, इनका क्या ही पता चलता है। तो चलो गाइस भाई एक पीछे से भाई क्या ही है यार, जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ये लोग फिर भाई, ये तो चुपचाप खड़ा भाई, इससे पूछते हैं हर बात करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ही चल रहा है। तो भाई देख रहे हो जल्दी मारना माइकल इसके, तू गाइस क्या ही मारा, कट से आ जाइए। तो भाई जो ही उसके पट से हेडशॉट मारा ना, तो भाई आपने भी देखा होगा हम तो इसके क्लोज जा रहे थे थोड़ा देखने के लिए कि क्या ही सुन खड़ा था ये। तो भाई और ज़ॉम्बीज आ गए हैं भाई, क्या ही, अभी तक तो सब कुछ सही हो गया था, और भाई और ज़ॉम्बीज आने लग गए हैं यहाँ पे। तो भाई क्या ही सीन हो गया यार, अभी ज़ॉम्बीज खत्म ही नहीं हो रहे भाई, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। और ट्रेवर, फ्रैंकलिन, माइकल तीनों यहाँ पर लगे पड़े हैं मारने में, और पीछे की तरफ से भी ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। तो चलो गाइस पीछे वालों को भी हमने मार दिया, तो चल बेटा निकल यहाँ पे। तो चल आंटी जी तू भी निकलो, तुम भी निकलो। तो देख रुको गाइस बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज आ गए हैं, और यार पहले से भी दुगने आ चुके हैं यहाँ पे। तो भाई क्या ही करें यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे तो ये लोग अपना बेस खत्म करेंगे। भाई ये गाड़ी को मैं फोड़ देता हूँ, तो भाई पता नहीं किसकी गाड़ी। तो चलो गाइस यार कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा गाड़ी फोड़ने से भी, और फ्रैंकलिन भी उनके भाई मार भाई क्या ही कर रहे हो फ्रैंकलिन, ट्रेवर तो भाई जल्दी मारो। तो चलो गाइस अब ये भी मारना शुरू कर गए हैं, तो ये कह रहे हैं हम थोड़ा कवर में आते हैं। तो भाई देख रहे हो इस तरफ भी ज़ॉम्बीज हैं, तो चल बेटा निकल जाए यहाँ पे। देख रहे हो गाइस यार इसके तो जो भी बजाए, तो मैं कह रहा हूँ पिस्टल चलाएंगे, तो भाई अब पिस्टल चलाएगा तुम्हारा भाई। तो जल्दी से इनके देता हूँ मैं हेडशॉट, तो चल बेटा यहाँ से निकल जाओ। और ये आंटी जी फिर से खड़े हुए, तो चल आंटी तू भी गिर जाए यहाँ पे। तो भाई अब मारते हैं इनके मौली, जो बच्चे कुछ ज़ॉम्बी है ना वो भी यहाँ पर जल के पूरे राख हो जाने वाले हैं। तो गाइस देख रहे हो क्या ही हमने मारा ना इनको, तो भाई मजा टाइप आ गया भाई। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एम है पूरे 5000 लाइक का, और चैनल पर चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वो भाई आधे ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ पर भाग रहे हैं भाई, क्या ही भाग रहे हैं भाई, इनको बिल्कुल भी नहीं जाने देना। चलो बेटा मरो यहाँ पे भाई, अब बहुत ज़्यादा चौड़ में थे, जब जले तो भाग रहे थे गाइस यार पूरा चौड़ में डर के। तो यार बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया फ्रैंकलिन के घर के पास। तो यार
इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। तो गाइज़ यार ये तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। तो चलो एक के हमने हेडशॉट दे दिया एक एम से। तो चलो गाइज़ यार अब जल्दी से भाई, अब तो फाइनल है, अब जल्दी से चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अगर हम जितना टाइम बाहर रहेंगे उतने ज़ॉम्बीज़ और बढ़ते रहेंगे यार। ज़ॉम्बीज़ तो घटने का नाम ही ले रहे हैं। और ड्राइवर यहाँ पे कह रहा है कि अपने को क्या ही करना पड़ेगा, जल्दी से ना डॉक्टर मैग्नस वगैरह को कह के कुछ ना कुछ जरूर से करना पड़ेगा। ये तो यार आज ये तो पूरा घर तोड़ के घुस रहे थे और अगले दिन तो यार अपने को तोड़ देंगे। तो जल्दी से हमने मार दिया यहाँ पर मौली, और भाई जल्दी से आग लग जा भाई। देख रहा पूरे ज़ॉम्बी के जो ही सिर पे मारे ना मौली और वो पूरे जल के राख हो चुके हैं यार। तो गाइस देख रहे हो यार क्या ही तबाही हो चुका है भाई। मैं तो इतना सोच भी रहा था कि इतनी ज़्यादा तबाही हो जाएगी यार आज। और यार ये तो क्या ही भाई, और भी पावर भाई आपको कैसे लग रहे हैं ज़ॉम्बी? और भी पावरफुल लग रहे होंगे, मुझे तो बहुत यार लग रहे हैं। जब इनके हेडशॉट बजा रहा हूँ तब भी ये लोग खड़े होकर आ रहे हैं। और ये पता नहीं यार कौन सा वायरस है भाई, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही डेंजर वायरस है यार। पता नहीं यार मिलिट्री वालों को क्या ही मिल गया ये वायरस बना के। तो देख यार ट्रेवर ने भी संभाल लिया, उसके जो ही बजाया ना शॉट तो वो भी बेचारी उड़ के ऐसा गिरी है ना। तो यार एक बार मैं पीछे की तरफ देख लेता हूँ भाई। अब देख रहे हो यार पीछे की तरफ भी कोई नहीं है, ट्रेवर कह रहा। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो यार पूरा दिमाग खराब हो रहा है, अगर अब कोई आया तो भाई मैं जल्दी से बजाऊंगा। तो चल बेटा निकल यहाँ से। तो देख रहे हो अब हमारी गन में लगी है यहाँ पर टॉर्च, अगर कोई भी क्लोज ज़ॉम्बी हो ना तो उसकी जो ही गेम बजाएंगे। तो यार ये देख रहे हो यार कब से खड़ी हो जाती। तो ये नहीं यार ये तो लड़का है। तो चल यार नीचे गिर तू। तो गाइज ये भी एक आ रही है, तो चल इसके भी हमने हेडशॉट बजा दिया यहाँ पे। तो भाई बहुत ही चोट में थी और पिस्टल से पूरी यहाँ पर इसकी गेम बजा दिया। तो चलो गाइज इसको भी हमने यहाँ पर मार दिया है। तो चलो गाइज अब देख रहे हो यार क्या ही तबाही हो रही है भाई, फिर से तबाही हो रही है यार। पीछे बॉम्ब वगैरह फूट रहे हैं यहाँ पे, और जो अपने दो सिक्योरिटी थे ना भाई साहब वो मारे गए हैं यहाँ पे, और उनको पीछे से ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ा। तो भाई वो उन्होंने ना अपने मत्थे पे खुद ही अपनी गोली मार ली। तो चलो गाइज अब बिल्कुल भी हम बाहर नहीं रहने वाले, और इनको भी मैं समझा देता हूँ कि तुम भी प्रोटेक्ट करो भाई, एक ज़ॉम्बी यहाँ पर आ रहा है। तो क्या ही सीन भाई, ये तो मरेगा भाई। चल निकल पहली फुर्सत में यहाँ से, और यहाँ पर खा ले यार फिर से कुल्हाड़ी। तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे थे यार। तो भाई अब कर भी क्या ही सकते हैं हम, और इनको मारने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। पर ये जो ना मर चुके हैं भाई, ये जो ज़ॉम्बी बन जाता है वो पूरा मर चुका था। तो चलो भाई अब सब अंदर की तरफ चल लेते हैं। तो सॉरी भाई सिक्योरिटी वाले, तुम्हें थोड़ा आगे पीछे हो जाना चाहिए था यार। मैं नहीं चाह रहा कि मैं इनको मारूं, पर गलती से यार जो ही जंप मारी है ना इनके सिर के पास। तो चलो देख रहे हो भाई साहब अब चलते हैं सीधे अंदर की तरफ। ट्रेवर और फ्रैंकलिन कहाँ ही रह गए यार। तो भाई जल्दी आ जाओ यार अंदर की तरफ, क्या ही कर रहे हो तुम लोग बाहर। तो चलो भाई अब देख रहे हो यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं अंदर की तरफ, और अब सुबह का इंतजार करना यार। पहले मैं देख लेता हूँ कितनी गन उन्होंने बनाई है और कितनी अभी बाकी है। तो गाइज यार लेमार यहाँ पर है, इनको प्रोटेक्ट करना भाई साहब। गन तो यहाँ पर मुझे लग रहा है रेडी हो चुका है। तो गाइज देख रहे हो यहाँ पर यार थोड़े बहुत और पार्ट बना लिया इन्होंने, और यहाँ पर ना ये पता नहीं यार क्या ही अलग फूक मार रहा भाई, इसको थोड़ा बहुत जल भी रहा डॉक्टर मैग्नस को। तो यार ये कह रहे हैं बस अपने को ना तो बस 2-3 घंटे और लगने वाले हैं, और ये गन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो हमने ना 4-5 गन के मटेरियल निकाल के उस गन को तैयार करा है। तो एक अगर इसको एक बार चलाओगे ना उस गन को, तो भाई तुम भी देखोगे यार क्या ही तबाही मच रही है यहाँ पर गन। तो चलो गाइज अब अपने को सुबह का इंतजार करना, फिर मैं मिलता हूं आपको सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट गाइज। तो चलो गाइज यार देखते हैं क्या ही होगा गन का। तो फाइनली गाइज यार सुबह यहाँ पर हो चुके हैं, और ट्रेवर फ्रैंकलिन यार और ज़ॉम्बी आ चुके थे। तो भाई साहब ये रात को ना बिल्कुल भी नहीं सोए दोनों, और ये लोग संभालते रहे अपने सिक्योरिटी वाले ना, और 2-3 मर चुके हैं भाई, दिमाग खराब हो रहा है। और जल्दी से ना बाहर की तरफ चल लेते हैं गन को लेकर। तो भाई देख रहे हो ये लोग सो चुके हैं, तो भाई इन्होंने गन पूरी तैयार कर दिया है। तो भाई ये लोग ना डॉक्टर मैग्नस और लेस्टर यहाँ पर गिर के सो चुके हैं। तो भाई साहब देख रहे हो गन बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, तो जल्दी से मैं इसको उठा लेता हूँ भाई। बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही है यार दिखने में ही, तो पता नहीं यार कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो भाई देख रहे हो हमने इसको उठा लिया है, और हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, क्योंकि डॉक्टर मैग्नस ने बोला था अगर गलती से भी एक गोली निकलेगी ना इसमें से और पूरी यहाँ पर तबाही हो जाने वाली है, एक गोली भी यहाँ पर मत निकालना, और अगर तुमने चलानी है ना किसी खुले एरिया में जाके चला के आओ इसको। तो भाई बहुत ही ज़्यादा गन है भाई, मैं सोच रहा हूँ किसको भाई इसको अगर मारूंगा ना तो पूरी तबाही हो जाएगी। तो जैसा लग रहा है वैसे गन हो यार, जैसे डॉक्टर मैग्नस कह रहा है यहाँ पे। तो चलो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से जल्दी से चलते हैं कहीं और। तो भाई अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, एक सामने की तरफ से कोई गाड़ी दिख जाए ना तो मैं उसके मारूँ तो भाई सही रहेगा तब। तो यार लॉकडाउन के बीच में भी कोई नहीं घूम रहा यहाँ पे, तो भाई लोग भी यहाँ पर समझदार हो रहे हैं। तो भाई एक गाड़ी मैंने देखी थी यार अभी यहीं से। तो चलो गाइस यार छोड़ो यार, अपनी लैम्बोर्गिनी अपनी ह्यूरिकन उठाते हैं, और फिर यहाँ से चलते हैं सीधा ओपन एरिया में, फिर वहाँ पर चलाएंगे गन। तो भाई जल्दी से चलते हैं सीधा आगे की तरफ। तो देख रहे यार सिक्योरिटी कितनी ही अपनी घट हो चुकी है, क्योंकि यार बहुत बंदे मर चुके हैं, और गेट भी पूरा टेढ़ा है और टेढ़ा ही वहाँ पर खड़ा हो चुका है। तो यार अपने को गेट का भी जुगाड़ करके सही करना पड़ेगा, और जल्दी से भाई साहब कोई भी आके बैठ जाओ, फिर चलते हैं यहाँ से सीधा।
तो देख रहे यार अपने साथ इस समय बैठ ट्रेवर। तो भाई ट्रेवर जो ही उड़ता हुआ है ना पीछे से कह रहा कि मैंने देख रही है इस गन को चलाते हुए और मैं भी चलाऊंगा। तो चलो यार निकलो जल्दी से, अब चलते हैं सीधा ओपन एरिया में और इस गन को एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या ही सीन है इस गन का। तो चलो गाइस यार तुम्हारा भाई अब गाड़ी तो पूरी तेज भगा रहा है यहाँ पे और मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, क्योंकि डॉक्टर मैग्नस कह रहा था यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन है, अगर एक एक गोली निकलेगी ना इसमें से तो उसमें ना तुम्हारे में इतनी पावर है कि एक गोली से एक गाड़ी उड़ा सको तुम। तो इस गन की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन है यार ये, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है और 8-9 गन का जो मटेरियल होता ना उसको मिक्स करके इन्होंने बनाया। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा भाई जैसे वो कह रहे हैं वैसे तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा, क्योंकि यार एक गोली भाई साहब कैसे मार देगी यार, एक गाड़ी को पूरी ब्लास्ट करेगी एक गोली। तो यार यहाँ पर ना पार्किंग है, तो यार जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और जल्दी से जो तीन गाड़ियाँ देख रहे हो तो जल्दी से ना इनको मारने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो चलो गाइस मैं जल्दी से यहाँ पर पार्क लगा दी अपनी गाड़ी को। तो चलो भाई अब जल्दी से एक ही गोली मारेंगे तो फिर देखते हैं क्या ही तबाही मचाएगी। तो भाई देख रहे हो एक ही गोली मैं प्रेस कर रहा हूँ और इतने ज़्यादा ब्लास्ट कर रही है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यार पुलिस वगैरह ना ही आ जाए तो सही है। तो चलो गाइस अब जल्दी से आगे की तरफ चलना पड़ेगा, भाई पीछे से सायरन वगैरह क्यों ही बज रहे हैं, एक बार मैं पीछे की तरफ देख लेता हूँ भाई मुझे लग रहा ना। तो भाई यार हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ आने लगी, मुझे लग रहा है कि पुलिस आ चुकी है। तो भाई सही में यार सामने की तरफ से भी पुलिस आ गई है और यहाँ पर भी पुलिस है, भाई पूरा दिमाग खराब कर रहे हैं। तो एक सेकेंड रुको गाइस यार, पुलिस वालों की ही गलती है, मिलिट्री वालों की गलती है। तो चलो गाइस अब इनसे ही हम टेस्ट करेंगे, आओ बेटा जितना आना आओ। तो चल बेटा निकल पहली फुर्सत में, और तू भी निकल यहाँ पे, तू भी निकल। तो देख रहे बस मुझे एक गोली प्रेस करने की ज़रूरत है और पूरा धमाका हो जा रहा है यहाँ पे। और ये भी सोच रहे होंगे भाई साहब इनको ऐसा वेपन कहाँ से मिल गया, और अभी तो हेलीकॉप्टर था पता नहीं यार कहाँ ही चला गया। तो देख रहे हो एक गोली पर दबाने की देर है मुझे और पूरा यहाँ पर ब्लास्ट कर दे रही है एक गोली, और ज़ोंबीज़ का तो क्या ही सफाया करूँगा यार अब मैं, अगर ज़ोंबीज़ मेरे सामने आएंगे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ओपी गन लग रही है मुझे ये। तो देख रहे हो गाइस यार बस एक गोली यहाँ पर मैं मारूँ तो भाई बंदों पर असर करती है, तो देखते हैं यार मार के। तो चल बेटा, तो देख रहे हो हल्की सी मैंने एक गोली प्रेस करी, बंदा उड़ के पीछे की तरफ गिर गया है। तो सही में यार, और ना डॉक्टर मैग्नस से बोला था इसको ना तुम एक बार में 10,000 बार स्प्रे कर सकते हो, इसकी गोली बिल्कुल भी नहीं घटती। तो जैसे आप देख ही रहोगे यार ऊपर की तरफ, अभी ऊपर की तरफ 1,000 है, तो भाई ये 10,000 तक चलती है भाई, फिर 2 मिनट का रिलोड लेके फिर से चल पड़ती है। तो गाइस सही है यार बहुत ही ज़्यादा ओपी गन है यार, ऊपर से रिलोडिंग भी इतना ज़्यादा इसका टाइम नहीं लगा था। तो चलो गाइस यहाँ पर हेलीकॉप्टर फटे, तो बस को भी पहली फुर्सत में हमने यहाँ पर फोड़ दिया। तो सही में यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन है। तो चल बेटा यहाँ से निकलो भाई, अब क्या ही तुम लोग कर लोगे, मैं अंधाधुन चला के देखता हूँ भाई इसकी तो एक गोली भी इतनी तबाही है, और अगर मैं लगातार चलाऊंगा तो भाई साहब देख ही रहोगे क्या ही तबाही मचा रही है यार गन, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार, उसकी लास्ट तो क्या ही हवा में उठा ली है माइकल ने। तो गाइस देख रहे हो क्या ही ओपी गन है यार, अब तो ज़ोंबी का पूरा सफाया होने वाला है। तो भाई ये ना 8-9 गन से जैसे मैं कह रहा हूँ ये मशीन गन थी, इसमें उन्होंने ना जो तीन मटेरियल लगाए हैं और जब एक फायर करे उसमें से गैस का फायर निकले जो ब्लास्ट करके रख दे पूरा। तो भाई डॉक्टर मैग्नस ना वेपन बनाने में बहुत ही ज़्यादा तेज है, मैं सोच रहा ना उसको अपने घर पर ही रख लेंगे और अपने लिए पावरफुल वेपन बना के रखते रहेंगे। तो गाइस यार आपका क्या ही कहना है, तो अपने को कोई भी नहीं हरा सकता, बड़े से बड़ा माफिया हो चाहे दूसरा कोई आ जाए। तो वैसे माफिया भाई साहब टैंक आ चुका है, तो देखते हैं जल्दी से इसको फोड़ के। तो भाई इसकी ना एक बैड थिंग पता क्या है यार, इसकी जो बुलेट स्प्रे है ना वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, जैसे यार बहुत ही ज़्यादा बिखर जाता है, रिकॉइल बहुत ही ज़्यादा है, पर यार एक गोली में पूरा ब्लास्ट करके भाई साहब देख रहे हो यार 4-5 गोली मारी है उसके और पूरी उसकी यार पेटी बना दी हमने, और यहाँ पर टैंक वगैरह भी पूरा फूट चुका। तो चलो भाई अब जल्दी से यहाँ से चल लेते हैं, ऐसे तो यार ये भी आते रहेंगे हम भी इनको मारते रहेंगे। और ये ड्राइवर कहाँ पर रह गया भाई साहब, अभी तो यहीं था। तो चलो भाई यार ये टैंक को मारने में लगा और इसने पूरा टैंक यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। भाई ड्राइवर जल्दी आ जा भाई, ऐसे तो हम इनको मारते रहेंगे तो मरते रहेंगे और फिर से आते रहेंगे, और जैसे कहते नहीं यार फिर से पैदा हो जाते हैं। तो भाई अलग ही सीन है यार इनका। तो गाइस देख रहे हो यार यहाँ पर पूरा दिमाग खराब हो रहा था, अब अपने को पुलिस से एस्केप होना है, फिर चलते हैं सीधा सेफ जगह पे। और यार ज़ोंबीज़ की तो खैर नहीं भाई, अब बताओ यार कैसे मारने चाहिए ज़ोंबीज़ को। और यार चलो गाइस अब देख रहे हो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं हम यहाँ पर, और ये सेफ जगह लग रही है मुझे क्योंकि पुलिस वगैरह इस समय हट चुके हैं पीछे से। तो चलो गाइस यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहा आज का यार, पहले तो वो ज़ोंबीज़ वगैरह अपने घर पर आ चुके थे, बाद में हमने उनको मारा, तो अब थोड़ा सेफ फील हो रहा है। बस यार रात का इंतजार है, रात होगी ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा मैं तबाही मचा के रख दूंगा ज़ोंबीज़ की, ऐसी की तैसी दे दूंगा और पूरी गेम बजा के रख दूंगा। तो चलो गाइस जल्दी से मैं गाड़ी को यहीं पर रोक लेता हूँ, तो यार ऐसी जगह रोकते हैं जहाँ पर पुलिस ना ही हो। तो भाई ये जगह थोड़ी सी पहले से सही लग रही है। तो गाइस देख रहे हो यार अब तो इतना टाइम नहीं है, ज़ोंबीज़ की भी एंड करना पड़ेगा, भाई पूरा दिमाग ख़राब करके रखा है ज़ोंबीज़ ने, अगर अब नहीं मारेंगे ना भाई कभी नहीं मार पाएंगे फिर उनको। तो गाइस उनकी कमजोरी तो पता है यार, आग है उनकी कमजोरी। तो चलो गाइस यार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एम है पूरे 5,000 लाइक का। चैनल पर हुए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है तुम्हारा इंसेन भाई डेली GTA 5 की लेटेस्ट वीडियो लाता रहता है। तो मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।